सासुओं को कहता हूँ आप भी ज्यादा टप टप मत करना, हाँ, क्योंकि आपके क्रोध से पुत्र वधु को गुस्सा आ सकता है और पुत्र वधु के गुस्से से आप दोनों को गुस्सा आ सकता है और उसमें कोई ऐसी घटना घट जाएगी तो कुल का दीपक को भी घुमाने का मौका आ जाएगा। इसलिए क्रोध बहुत भयंकर है। पुण्यवानों, अपन क्रोध से चिड़िए बन जाते, जिस आदमी को बार बार क्रोध आता हो ना, एक सेकंड में चिड़िया बन जाएगा। चिड़िया हमने जिद्दी, जिद्दी बन जाता हूँ आदमी। शारीरिक श्रम के द्वारा जितनी एनर्जी अपने शरीर की खत्म नहीं होती है, उतनी एनर्जी सिर्फ 5 मिनट गुस्सा करने से शरीर की शक्ति अपनी खत्म होती है। इसलिए हरत्येक दिने नैव ज्वरम षडमासिकम बलम, क्रोधे ने तो क्षणे नैव कोटि पूर्वार्जितम तपः। क्या बता रहे, एक दिन जो बुखार आ जान, हरत्येक दिने नैव ज्वरम, ज्वर यानी बुखार, एक दिन यदि बुखार आता है षडमासिकम बलम, 6 महीना की शक्ति अपनी चली जाती है, कमजोरी आ जाती है एक दिन के बुखार में। क्रोधे न तो क्षणे नहीं हुआ कोटि पूर्वार्जितम तपा, क्रोध तो एक क्षण के लिए भी कर दो तो क्रोध पूर्व तक, क्रोध वर्ष नहीं कहा, पूर्व, उसका गणित बहुत बड़ा है। एक क्षण के लिए यदि क्रोध कर लिया ने तो क्रोधो पूर्व तक जो तपस्या की है उसका फल खत्म हो जाता है। जैसे कुरुक मुनि और उत्कुरुक मुनि, कितनी तपस्या की थी, कितनी लब्धियाँ प्राप्त की थी, कितनी शक्तियाँ प्राप्त की थी कि वर्ष में गा कुणाल आयम, खाली बोल दिया कि कुणाल में बरस, उस मेघ राजा को हाजिर पड़ा, हाजिर होना पड़ा और बरसात चालू किया तो दूसरे भी क्रोध में आ गए थे। उन्होंने बोला दिनानी दस पंच छा, 10-15 दिन तक बरसना, खाली टप टप करके मत जाना, के क्यों, लब्धि थी, सिद्धि थी। सिद्धि का सदुपयोग होना चाहिए, सिद्धि का दुरुपयोग तब होता है जब क्रोध आता है। मुझे भी क्रोध तो आता है कभी कभी, क्षण भर के लिए, पर वापस में उसको पानी छाड़ देता हूँ, एक सेकंड में वापस भूल जाता हूँ, मैं पालता नहीं हूँ, पालो मत। क्रोध आवे स्वभाव के, मानव वृत्ति आ जाता है कभी कभार, मगर उसको पालो मत, उसको पोसो मत, उसको पकड़ के रखो मत। तो पुण्यवानों, जैसे बुखार से, एक दिन के बुखार से 6 महीना की शक्ति खत्म, एक क्षण भर क्रोध से पूर्व भाव में की हुई तपस्या भी अपनी क्षण हो जाती है। साधु घनो तपियो हतो धरतो मन वैराग, शिष्य ना क्रोध थकी थयो चंड कोशियो ना। कितना तपस्वी था साधु, अठम के पारणे अठम, ओली के पारणे ओली, वर्षितप के पारणे वर्षितप करने वाला साधु था। पर छोटे बाल मुनि, आपके परिवारों में जैसे बच्चे तूफान करते हैं ने, वैसे हमारे परिवारों में भी बच्चे तूफान करेंगे। बाल मुनि है, उम्र की जो तगादा होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। छोटी उम्र में जैसे आपके बच्चे नाटक करते हैं, तूफान करते हैं, तो वैसे हमारे बच्चे भी, हमारे बच्चे भी हमारे शिष्य शिष्याए, उम्र है ने, थोड़ा मत तो करेंगे। तो उस मुनि के वहाँ पर उस छोटे साधु ने गलती कर दी। क्या की गलती, और कोई नहीं की थी, गोचरी साथ में गए थे, गोचरी से आते समय उस बड़े मुनि के पांव नीचे एक मेढक मर गया, मेढक आ गया और बाल मुनि ने देख लिया, उनको मजा आ गई। उपासना में आकर जब वो हमारे गोचरी आलोने की क्रियाएं होती है कर रहे थे, तो बोला कान में, मेढक, उनको गुस्सा आया मालूम है मेरे को, तो उनको और मजा आई कि वो गुस्से हुए के, तो थोड़ी डर हुआ। गोचरी गुरुदेव को गोचरी बता रहे थे, तब बाजम जाके कान में बोला मेढक। कहना यह था कि इस मेढक जो मर गया उसका प्रायश्चित लो, उसकी आलोचना करो, और गुस्सा आ गया। गोचरी करने के लिए बैठने की तैयारी कर रहे थे, बाल मुनि थे, छोटे बच्चे थे, मेढक
और गुस्सा आया, पर गुरु बैठे बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं पाए। शाम हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, प्रतिक्रमण का टाइम हुआ, उपासना में थोड़ा अंधेरा हो गया था। तब वो मांडला करने का होता, तब करने की तैयारी करते थे, तब बाल मुनि कहीं से भग के आए, आके मेढक, अरे गुस्सा आ गया जोरदार, खड़े हो गए, दंडासन लेकर पीछे पड़े मारने के लिए। बाल मुनि तो किसे कुदम कुद कर सकते, यहाँ से वनवासी या भगे, वो भी पीछे भगे। उतने में जूने उपाश्रम में देखना, थंबे ज़्यादा रहते थे, पिल्लर, अनेक पिल्लर के साथ उनका सिर फड़ाया, मृत्यु हो गई। मरकर क्या हुए, चंडकोशी तापस हुए, वो तापस के भाव में भी भयंकर क्रोध, वहाँ से मरे तो सांप हुए, ये क्रोध बहुत भयंकर है। इसलिए क्रोध का वारसा कभी मत रखना, क्रोध का तो जल्दी बने उतना उसका विसर्जन ही कर देना। बोल बोली बोल अमोल है, बोली बोल अमोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल कर, पहले भीतर तोल कर फिर बाहर को खोल। कुछ भी बोलने के पहले अंदर तोलना है और फिर बोलना है। शस्त्र थी वैरी नासपा में, शस्त्र लाठी से, बंदूक से, मारामारी से, शस्त्र से वैरी नासपा में छे, वैर नहीं। स्नेह थी वैर नासपा में छे, अने वधुमा वैरी मित्र बनी जाए छे। बांट सको तो प्रेम बांटो, नफरत मत बांटो। हाँ, अपन क्या है, बहुत सी बात छोटी मोटी समस्याओं में नफरत बांट देते हैं। नफरत बांटने से संवाद नहीं होता है, संगीत नहीं होता है, सज्जनता प्रकट नहीं होती है। इसलिए पुण्यवानों, उत्तमस्य क्षणम कोपा, उत्तमस्य क्षणम कोपा, मध्यमस्य प्रहरद्वयम्, अधमस्य तो होरात्रम, नीचस्य मरणम ध्रुवम। क्रोध के भी प्रकार बताए शास्त्रों में। उत्तम व्यक्ति को क्रोध आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं। उत्तम अच्छे सज्जन साधु संतों को या अच्छे व्यक्तियों को भी क्रोध आता है, उसके लिए लिखा उत्तमस्य क्षणम कोपम, क्षण के लिए आ जाएगा। दूसरी क्षण, अरे कैसे भाई, आओ आओ पानी ला के पिला। ये उत्तम लोगों की महानता होती हो, कभी यहाँ बांध के यहाँ पर संग्रह करके क्रोध को नहीं रखते। मध्यमस्य प्रहरद्वयम्, और मध्यम प्रकार का जो आदमी होता है ना, मध्यम, उस मध्यम प्रकार के आदमी को क्रोध आएगा तो प्रहरद्वयम्, अने दो चार घंटे नाराज हो जाएगा, मगर पाँच छः घंटे के बाद उसको वापिस, अरे कैसे भाई, मिच्छा भी दुगना वहाँ हो तो जाजा माते बैठे हो तो बोलियो, बाकी आपने पर्सनल कोई लेन देन नहीं हो, मिच्छा भी दुगना प्रहरद्वयम्, बस ऐसे बनो। कदाच कोई बोलना पड़े सिद्धांत के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, मगर दो प्रहर, 24 मिनट का एक प्रहर होता है और 48 मिनट की दो घड़ी होती है, हैं? तो अपन बस ज़्यादा में ज़्यादा दो पाँच घंटा, उसके बाद तो कुछ भी क्यों ना हुआ हो, हाँ बाप बेटों को भी हुआ हो ने, तो दो घंटे के बाद बेटा बाप के पाँव में पड़कर क्षमा मांग ले। सासू और वहू को हुआ हो ने, तो वह अपनी सास के पाँव में पड़कर माफ़ी मांग ले। तो प्रहरद्वयम तो मध्यमता, मध्यम जीवन आपका बना रहेगा और आप ऊपर वालों की नज़र में क्षमा के पात्र बन जाओगे। अधमस्य तु अहोरात्रम, मगर अधम आदमी होता है ने, मतलब कोई उसकी क्या बोलते हैं क्वालिटी नहीं, ऐसा आदमी होता ने, अहोरात्रम रात दिन, साल दो साल पाँच साल तक अहोरात्रम रात दाड़ो जिम्मा नहीं जाए, पानी पीवे नहीं, हाँ वो सब पकड़ कर रखता, अरे जब बोलना था बोल दिया, होना था हो गया, अब क्या लेना देना है, है महीना दो महीना बहुत हो गए, बाद में तो भूल जाओ, तुम जैन धर्म को पाए हो, इतने त्यागी तपस्वी वैरागी साधु संत तुमको मिले और तुम क्रोध की नफरत की दुनिया दिए जलाओगे तो कैसे चलेगा। इसलिए कहा कि अधम तू अहोरात्रम, जो दो पाँच महीने तक वैर को पालता है वो अधम प्रकार का व्यक्ति है, मगर नीचस्य मरण ध्रुवम,
एकदम नीचा आदमी होता है ना, हल्की कोटि का व्यक्ति होता है ना, मरण ध्रुवम आजीवन वो वैर की गांठों को खुलता नहीं है, वो वैर वैमनस्य को भूलता नहीं है, पार्टी पार देता है, समाज के दो टुकड़ा कर देता है, देश का टुकड़ा कर देता है, गांव का टुकड़ा कर देता है। और बहुत से लोगों को इसमें मजा आती हो, बहुत से लोगों को समाज को झगड़ाने में, व्यक्तियों को झगड़ाने में, व्यक्तियों में फूट पाड़ने में बहुत लोग पीएचडी हुए होते। हाँ, वो पीएचडी हुए लोग इतने मिठे होते हैं, समाज में गलत विचार, समाज में गलत समस्या खड़ा करने वाले आदमी बहुत मीठे होते हैं। हृदय तु हलाहलम जिह्वाग्रे तुम सरकरम, जीभ के ऊपर तो साकर रहती है और हृदय तु हलाहलम, हृदय के अंदर ऐसा जहर होता है कि वो समाज को तोड़ देते। इसलिए पुण्यवानों महापुरुषों ने अपन को बताया है कि अपन अपने जीवन के अंदर क्रोध से बहुत सावधान रहे। जहाँ भी क्रोध का निमित्त मिलता हो ने, उस समय पीछे हट जाओ। हाँ, एक क्रोध को शांत करने का अवसर है, जब क्रोध का वातावरण बन रहा हो ने, वहाँ से खड़े हो जाइए, क्योंकि क्रोध बहुत खतरनाक है। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, घूमने गया था, तब जब वो आदमी जंगल में घूम रहा था तो रास्ते में उन्हें चार स्त्रियां मिली। कौन मिला? चार औरतें मिली रास्ते में। अब मुंबई में तो आपको चार क्या 400-4000 मिलेगी, मगर उनके पास से आपको कोई सार्थक होवे जीवन ऐसा प्रेरणा नहीं मिलेगी। और तो आप जंगलों में सिनेद्री रहते हो, नगर रहते हो, चित्तलवाड़ा आड़ेचा रहते हो ने, वहाँ कभी बाहर निकलो ने तो मिले कोई अनुभव वाली, कोई जानकार, कोई समझदार, कोई आदिवासी ऐसे मिलते हैं। यहाँ तो सब नमोरिन तारम मिलते हैं। हाँ, नहीं गिरते हो तो भी गिरा दे है, नहीं कहीं डूबते हो तो भी डूबा दे। तो ये चार औरतें मनुष्य को जंगल में मिल गई। उस आदमी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो आप? हाँ, उसमें से पहली वाली ने कहा कि हम तो ईश्वर की देन है, कि हम कौन है? ऊपर वाले की देन है हमारे ऊपर। तो क्या आपका क्या काम काज है, आपका क्या नाम है? पहली औरत ने बताया कि मेरा नाम बुद्धि है। क्या नाम है? मेरा नाम बुद्धि है। अच्छा, आपका नाम बुद्धि है, और दुनिया में बुद्धि बुद्धि बोलते हैं। तो कहा, वही मैं हूं, के मेरा नाम बुद्धि है। तो क्या आप कहाँ रहते हो? तो उस बुद्धि ने कहा कि मेरा स्थान दिमाग में है। कहाँ है? मेरा स्थान दिमाग में है, मैं दिमाग में रहती हूँ। के अच्छा, अब दिमाग में कहाँ? 24 घंटा मैं दिमाग में रहती हूँ। के दूसरी को पूछा कि आपका नाम क्या है? तो कि मैं लज्जा हूँ। कौन हूँ मैं? लज्जा हूँ मैं, मर्यादा, लज्जा हूँ मैं। तो क्या आप कहाँ रहते हो? कि मैं आँखों में रहती हूँ। लज्जा कहाँ रहे? आँखों में, मर्यादा। जहाँ तक लज्जा होती है ने, वहाँ तक घर में शासन, अनुशासन, नैतिकता, एक दूसरों की मर्यादा बनी रहती है। तो उसने दूसरे ने बोला, मैं लज्जा हूँ और मेरा स्थान आँखों में है। तीसरे को पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा, मैं हिम्मत हूँ। कौन हूँ मैं? हिम्मत हूँ, और मैं दिल में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? दिल में रहती हूँ। हिम्मत कटे रहे दिल में जो है ना, हिम्मत हूँ मैं, दिल में रहती हूँ। चौथी को पूछा कि आप कौन है? उसने कहा, मैं तंदुरुस्ती हूँ, मैं तंदुरुस्ती हूँ, और मेरा स्थान पेट में है, पेट में निवास करती हूँ। हाँ, मैं जहाँ तक स्वस्थ हूँ, व्यवस्थित हूँ, वहाँ तक पेट बराबर रहता है। फिर कचरा डालना आदमी चालू करेगा तो पेट तंदुरुस्ती रहेगी? नहीं रहती है। सुना, उसने नमस्कार किया, बहुत अच्छी बात है,
आज मुझे बुद्धि का दर्शन हो गया, लज्जा का दर्शन हो गया, हिम्मत का दर्शन हो गया और तंदुरुस्ती का भी मुझे दर्शन हो गया। थोड़ा आगे चले और चार आदमी मिले उसको, चार आदमी मिले, चार पुरुष मिले उसको सामने से आते हुए। वो भी संशोधक था, वो भी कुछ दुनियादारी देखने के लिए निकला हुआ था। उसने उन चारों आदमियों को नमस्कार किया। मुंबई में थे कतरा या उन कतरा जो थे, थोने कोई नमस्कार करे। और मारवाड़ में इस गली में से उस गली में निकलो तो थोने कौन सा जय राम जी की, जय जिनेन्द्र, कुछ न कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि वहाँ एक मर्यादा है, वहाँ एक लज्जा है, वहाँ एक अनुशासन है। इसलिए गांव को छोड़ना मत। अमुक रीति रिवाज, अमुक काम काज हमेशा बनाए रखना। अटैचमेंट कभी ख़त्म मत होने देना। हाँ चलो, मेन विषय क्रोध है मेरा आज का। तो वो चारों जन मिले, उसने पूछा, अरे राम राम, कहाँ से आ रहे हो? हम तो प्रभु की देन है। जब मौका होता, अवसर होता है, वैसी वैसी जगह पर हमको जाना पड़ता है। तो क्या आपका नाम क्या है? पहला को पूछा, पहले ने कहा मेरा नाम क्रोध। क्या नाम है? मेरा नाम क्रोध है। अच्छा, क्रोध आप भी हो? तो कहा मैं ही हूं। के आप कहाँ रहते हो? दिमाग में। दिमाग में रहता हूं मैं। अरे अभी वो मिली थी कि मेरा नाम बुद्धि है और मैं भी दिमाग में रहती हूँ, तो आप भी क्रोध बोल रहे हो कि मेरा नाम क्रोध है और मैं भी दिमाग में। तो कि बात सही है, जहाँ तक मैं एंट्री नहीं लूँ वहाँ तक ये बुद्धि रहती है। जहाँ तक मेरी एंट्री नहीं होती है ना, वहाँ तक ये आदमी की, औरतों की बुद्धि रहती है। मेरे जाने के बाद किसी की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। मेरे जाने के बाद एकता नहीं रहती है। मेरे जाने के बाद प्रेम नहीं रहता है। वो मैं क्रोध हूँ। कि अच्छा आप ही हो, बहुत ताकत वाले। अरे क्या ताकत, अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा देती हूँ, लगा देता हूँ। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में भी मैं तिरान पार देती हूँ। बुद्धि खराब हो गए तो 40-40 निकल जाते हैं। बुद्धि खराब हो जाती है तो पूरी पूरी सरकार भी निपट जाती है।